जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल UPSC PSC विद मनीषा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है कि MP में DSP की ट्रेनिंग कहां कहां होती है, साथ में यह भी बताऊंगी कि किस प्रकार से होती है और कितने महीने की, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगी। दोस्तों, अगर आपको MP में जो DSP ट्रेनिंग में जो जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं उसका सिलेबस, उन सब की जानकारी लेना है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं उसी टॉपिक पर बना सकूं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बात करती हूं MP में DSP ट्रेनिंग सेंटर के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं कि जब आप MPPSC क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको 2 से 3 महीने के अंदर आपको ट्रेनिंग सेंटर में बुलाने के लिए कॉल लेटर मिलेगा और उसमें टाइम भी लिखा हुआ होगा जिसको देखते हुए आपको वहाँ प्रेजेंट होना पड़ेगा। जब आप वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में पहुँच जाएंगे तो वहाँ आपके फाउंडेशन कोर्स की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। सबसे पहले जिस दिन आप वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में पहुँचेंगे उसी दिन आपको क्या किया जाएगा कि आपके जो बैच है वो उस बैच को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा और आपका जो रूम है वो अलॉटमेंट कर दी जाएगी। यहाँ आपको फाउंडेशन कोर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी और इस ट्रेनिंग के पूरा होने के बाद आपको DSP ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाएगा। अब मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो DSP ट्रेनिंग है वो 6-6 मंथ के 2 सेमेस्टर में डिवाइड होता है, जिसमें आपको सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर में, वहाँ आपको 12 महीने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी और जैसे ही आपका फर्स्ट सेमेस्टर पूरा होगा उसी के बाद आपको रुस्तम जी सशस्त्र पुलिस महाविद्यालय इंदौर में है वहाँ भेजा जाएगा, जहाँ आपकी ट्रेनिंग 2 मंथ की होगी और यहाँ की ट्रेनिंग पूरा होते ही आपको लास्ट में 15 दिन के लिए फिर से जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर में भेजा जाएगा। उसके बाद पुलिस मुख्यालय भोपाल, वहाँ आपकी प्रशिक्षण होगी, यहाँ आपकी ट्रेनिंग होगी। तो टोटल ट्रेनिंग के जो डेज होते हैं वो 16 महीने 15 दिन के ये जो ट्रेनिंग है वो पूरी हो गई। अब इसके बाद लास्ट में जो बचता है वो है कि जिला में आपको जो व्यवहारिक तौर पे है वहाँ ट्रेनिंग के लिए आपको भेजा जाएगा, जहाँ जो टाइमिंग है वो 7 महीने 15 दिन का होता है। इस प्रकार से जो टोटल जो ट्रेनिंग के डेज हैं वो 24 माह का पूरा होता है टोटली। यहाँ मैं आपको जानकारी दे दूँ कि जब आप जिला में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा जिला में आपको, तो 7 महीने 15 दिन के लिए जो ट्रेनिंग होगा उसमें 2 माह के लिए आपको क्या करेंगे कि गांव में थाने में थाना प्रभारी के रूप में और स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए, और 1 माह में किसी अनुविभागीय पुलिस अधिकारी कार्यालय में वहाँ आपको काम करने के लिए भेजा जाएगा। और जो टाइम बचता है उसमें क्या होता है कि जिला पुलिस के और भी जो छोटे छोटे काम होते हैं वहाँ आपको व्यावहारिक तौर पे वहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी आपको। तो दोस्तों, आपको मैं जानकारी दे दूँ कि जब आप पहले सेमेस्टर की जो ट्रेनिंग है आप पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि 2 माह के लिए जब आपको इंदौर में ट्रेनिंग के सेंटर में भेजा जाता है तो वहाँ क्या होता है कि उसके पहले महीने में आपको जो शस्त्र हैं उनका यूज करना आपको बताया जाएगा, जैसे कि फील्ड क्राफ्ट, टैक्टिकस प्रशिक्षण, ये सब चीज़ें आपको दी जाएंगी। और फिर उसके बाद 7 दिन के लिए आपको जंगल कैंपस, वहाँ आपको भेजा जाएगा, जंगल कैंपस में आयोजित किया जाएगा आपकी जो ट्रेनिंग चीज़ें हैं। फिर उसके बाद जैसे ही आपकी जंगल कैंपस ख़त्म होता है उसके बाद क्या होता है, 7 दिन में आपको वेपन ट्रेनिंग दी जाएगी और फायरिंग और विस्फोटक संबंधी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी वहाँ आपकी ट्रेनिंग में, ये सब चीज़ें भी आपको सिखाई जाएंगी। मैप रीडिंग है वो आयोजित किया जाता है, वहाँ आपको मैप रीडिंग की चीज़ें भी सिखाई जाएंगी। फिर बाद जो समय बचता है 15-20 दिन के लिए, तो फिर क्या करते हैं कि कैप्सूल कोर्स ऑन एक मैनेजमेंट होता है, वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। लास्ट में दोस्तों, मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी कि आपकी जो ट्रेनिंग है उस ट्रेनिंग के दौरान आप में जो कई लोग पूछते हैं कि यूनिफॉर्म होता है या नहीं, तो बता दूं कि यहाँ MP में जो ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ की अपनी ट्रेनिंग के जो ड्रेस कोड है वो अलग है, तो आपको वहाँ के ड्रेस कोड मिलेगा जिसमें जिसको आप यूज करते हुए आप पूरी ट्रेनिंग सीखेंगे।